दोस्तों आप सभी को राम राम। 2 से 3 दिन में देखिएगा स्टॉक मार्केट के लिए बड़ी अपडेट आएगी जो कि पॉजिटिव अपडेट होगी। क्या होगी? पॉजिटिव अपडेट होगी, सरकार टैक्स को कम करेगी और कम से कम 20% तक टैक्स कम हो सकता है। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन 20% तक आपको टैक्स में कमी आते हुए देखने को मिल सकती है। अब कैसे मिल सकती है, पूरा डेटा देखने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब कम होगा टैक्स तब भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और स्टॉक मार्केट टोटली ओवरसोल्ड है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो बात करूंगा क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल अगर आप देखेंगे तो मैं आपको आपके सामने दिखा रहा हूं कि अगर यहां पे देखेंगे तो एक हफ्ते का जो इसमें क्रैश देखने को मिला है वो 6.5% का, यानी कि 6.5% क्रूड ऑयल टूट चुका है। क्रूड ऑयल कंटिन्यू नीचे जा रहा है और आगे भी जा सकता है, और ना भी जाए तो डजंट मैटर, मतलब इतना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस 3 दिन तक क्रूड ऑयल इन्हीं पर्टिकुलर प्राइस पे भी बना रहे तब सबसे बढ़िया बात क्या है कि सरकार टैक्स कम कर देगी। कैसे? पहले जानते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस ना बढ़ने के चांस कितने ज़्यादा हैं। तो क्रूड ऑयल के ना बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऑयल के प्राइसेस कंटिन्यू ड्रॉप हुए जब US का जो इन्वेंट्री डेटा आया वो भी खराब आया, यानी कि US का जो इन्वेंट्री डेटा आया है, जितना भी ऑयल की इन्वेंट्री है वो कम होकर आई, तब भी प्राइस ड्रॉप हो गए। तब आप समझ सकते हैं कि यानी कि जब आपके अगेंस्ट कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए तब तो एटलीस्ट सप्लाई की कमी होने के कारण आपको बढ़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप गिर गए हो, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो दिक्कत देखिएगा क्यों आई है कि तो आप देख सकते हैं फ्यूल स्टॉक भी यहाँ पे गिर गए, क्योंकि आपको पता है कि अगर क्रूड के प्राइसेस कम होंगे तो फ्यूल स्टॉक भी देखिएगा वहाँ पे उनके मार्जिन्स कम होंगे। तो अब देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 वीक ड्यू टू कंसर्न ओवर वीक ग्लोबल डिमांड, यानी कि 6 हफ्ते के लोवेस्ट लेवल, 6 हफ्ते आप समझ रहे हो, 6 हफ्ते होते हैं टोटल 1.5 महीने, 1.5 महीने के लोवेस्ट लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है क्या, क्रूड ऑयल। और कंसर्न क्या है, ग्लोबल डिमांड, यानी कि जो ग्लोबल डिमांड है वो इतनी कम है चाइना की तरफ से कि जिस कारण से देखिएगा क्रूड के प्राइसेस बढ़ना अब 2-3 दिन तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये पहली इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी कि चाइना की जो डिमांड कंसर्न है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है कॉमोडिटी मार्केट को, चाहे वो मेटल हो और चाहे वो ऑयल हो। लेकिन ऑयल, इसलिए ऑयल से टैक्सेस कम होंगे आपके, तो ऑयल जितना नीचे रहेगा उतना ज़्यादा आपके लिए प्लस पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या कारण है, दूसरा कारण है मिडिल ईस्ट में सीज फायर टॉक हो रही है, यानी कि इसराइल हमास और ये सारी चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं या फिर बात भी चल रही है, तो इस कारण से भी जो टेंशन थी जिस कारण से क्रूड क्या हुआ था जंप हो गया था वो टेंशन भी कम होते हुए देखने को मिल रही है। तो इस कारण से भी क्रूड के प्राइसेस बढ़ने की संभावना कम है। अब आपको देखना है कि इस कारण से आपके टैक्सेस कैसे कम होंगे। तो मैंने आपको सारे रीजन दे दिए यहाँ पे कि क्रूड के देखिएगा प्राइसेस बढ़ने के चांसेस बहुत कम है और कंटिन्यू देखिएगा, आपको पता है पिछली 2 बार से गवर्नमेंट बढ़ा रही है विनफॉल टैक्स, पिछले 2 बार से, यानी कि 15 दिन पहले के और फिर 15 दिन, 1 महीने से लगातार क्या करा है गवर्नमेंट ने, जो विनफॉल टैक्सेस हैं वो बढ़ाए थे। इवन 16 जुलाई को जो ये देखिएगा इंफॉर्मेशन आई थी उसमें भी टैक्स क्या किए गए थे, हाइक किए गए थे, 7,000 तक कर दिए गए थे। कितने से, 6,000 से कितने कर दिए गए थे, 7,000 तक कर दिए थे। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरीके से कंटिन्यू पिछले 1 महीने से गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रही है। अब चूंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस इस पर्टिकुलर टाइम पर 16 जुलाई को बढ़े हुए थे और अब कितने आ गए, 6 हफ्ते के लोवेस्ट लेवल पे आ गए, तो जब भी देखिएगा क्रूड ऑयल रिवीजन के टाइम पर, यानी 15 दिनों में रिवीजन होता है, 14 से 15 दिनों में रिवीजन होता है इन पर्टिकुलर विंडफॉल टैक्सेस का, तो रिवीजन के टाइम पर अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस डाउन होते हैं तो सरकार टैक्स कम कर देती है। तो आपको पता है कि क्रूड में जो गिरावट है वो 6% से ज़्यादा की है पिछले हफ्ते। तो आप देख सकते हैं जो 7,000 रुपए पर टन मीट्रिक आपको देखने को मिल रहे हैं जो टैक्सेस, वो अगर आपको पता है 6,000 भी होते हैं तो कम से कम 13 से 15% यहाँ पे, और अगर 6,000 से भी नीचे सरकारी टैक्सेस कर देती है तो 20% तक का टैक्स आपका कम होगा
अब फायदा मार्केट को कैसे होगा? रिलायंस इंडस्ट्री आपको पता है सबसे ज्यादा बेनिफिट पे होता है जब भी विनफॉल टैक्सेस कम होते हैं। कम से कम 1.5% का मोमेंटम आता है रिलायंस इंडस्ट्री में जब विनफॉल टैक्सेस कम होते हैं। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री 5% कितना 5 दिन में टूटा, कितना है 5 दिन में टूटा है 5%। तो अगर यहां पे विनफॉल टैक्सेस कम होंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री कम से कम 1.5% ऊपर होगा, जो स्टॉक मार्केट और निफ्टी को ऊपर ले जाएगा। क्लियर लॉजिक है आपके पास, आपको 2-3 दिन बस वेट करना है और उसके बाद देखिएगा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, इन्वेस्ट करते रहिए। राम राम।